बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद काशान। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रही मज़ेदार सा पीच एंड प्लम जूस। ठीक है, तो आजकल दोनों फ्रूट्स का सीज़न है, ये आप देख सकते हैं। आलू बुखारों का भी सीज़न है और आड़ू का भी सीज़न है। तो आज हम मिक्स करके इसकी ट्रॉपिकल ड्रिंक बना रहे हैं। ऐसे आप नाम दे दें पीच एंड प्लम जूस का। सो सिंपल सी है, ना तो इसमें मिल्क है और ना ही इसमें कंडेंस मिल्क है और ना क्रीम है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैंने दोनों फ्रूट्स ले लिए हैं। 1 कप मेरे पास ये प्लम है, इसे मैंने कट कर लिया, और 1 कप ही मेरे पास ये पीजेस हैं। ठीक है, दोनों मैंने 1-1 कप ले लिए, यानी कि ये हसब ज़रूरत मेरे पास ये 3 से 4 अदद ये हैं, यानी कि बड़े से तो 3, मैंने 3 अदद के ले लिए, और 3 अदद मेरे पास ये आड़ू हैं पीजेस। तो ये मैंने 1-1 कप हो गए, 3-3 अदद ले लें आप। इसे मैंने कट कर लिया, रफली चॉप कर लिया, और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने तीनों चीज़ें एक साथ ले ली हैं। ये सबसे पहले मेरे पास यहाँ 3 टीस्पून शुगर है, मेरे पास 1/4 टीस्पून के जितना ये सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, आप वाइट सॉल्ट लेने हैं तो, और यहाँ मेरे पास ये है ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, मेरे पास 1 पिंच है, जितना कम यूज़ करेंगे। और यहाँ मेरे पास है ये 1 कप वाटर, ठंडा वाटर ले लें आप, पानी। तो ये तमाम चीज़ें चाहिए हमें बनाने के लिए, हम आइस क्यूब्स लेंगे। तो ये हमारा एक हाजमेदार सी ड्रिंक तैयार हो जाएगी। हम सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को जग में डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं जग में ऐड कर दूँगा आलू बुखारे, ये इसमें शामिल हो चुके हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आड़ू, ये भी इसमें शामिल हो गए। शुगर, वाइट सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट, तीनों चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, कि आप लोगों की तरफ से एक रिवार्ड होता है। और अब हम इसके अंदर 1 कप वाटर ऐड कर देंगे। पहले हम तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे, ये जान कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें बर्फ ऐड कर देंगे, आइस क्यूब्स। तो देखिए, ये ब्लेंड हो गया है एक दफ़ा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे 1 कप। एक दफ़ा हम इसे फिर ब्लेंड कर लेंगे और अब हम इसे ग्लासेस में निकाल देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखें कितना अच्छा हमारा कलर आया है। ये इसकी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बेनिफिट्स बता दूंगा। सबसे पहले तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और ये उसके बाद हमारे पास ये लिवर जिगर के लिए बहुत अच्छा है, और ये होम्योस्टेटिक एक ड्रिंक है, और ये एज़ वेल एज़ आपकी जो किडनी और लिवर है ना, उसकी मेंटेनेंस में भी बड़ा काम आता है। तो इसके बाकी बेनिफिट्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आजकल समर सीज़न है। तो ये आलू बुखारों में तमाम वाइटमिन पाए जाते हैं, तमाम फलों के जितने वाइटमिन हैं ना, वो तमाम के तमाम उसमें पाए जाते हैं आलू बुखारों में। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े से मेरे पास ये देखें चंक्स रखे हुए, इससे हम इसको गार्निश करेंगे। वैसे तो ये सब चले ही जाएंगे अंदर, और इस तरह मैं दूसरे को भी गार्निश कर लूँगा। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार सा पीच एंड प्लम जूस। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलें, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुकिंग विद काशान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में आप अपने जो उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसको आपको बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।